नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में न बेड खाली है, लाशें रखने की जगह नहीं बची है। लोग अस्पतालों के बाहर इलाज मिल जाने की उम्मीद में रातें बिताने को मजबूर हैं। स्थिति पूरी तरह से सरकार के काबू से बाहर है, इसलिए देश की सरहद को सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद रहने वाली भारतीय सेना ने अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जारी इस जंग में भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना ने कोरोना की महामारी से त्रस्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महज 48 घंटे के अंदर ही 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाकर तैयार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यहां पर असिम्प्टोमेटिक मरीजों का इलाज किया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर आर्मी अस्पतालों को कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया था। इसके बाद आर्मी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात कर भोपाल के बैरागढ़ में सेना के 3 EME सेंटर में 150 बेड आइसोलेशन सेंटर बनाया है। बताया जाता है कि जिस जगह पर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है वहां पर सेना के जवानों को रखा जाता है। अब आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए जवानों को यहां से शिफ्ट किया गया है। हर एक बैरक में 4 से 5 कमरे हैं और हर कमरे में 6 बेड हैं। 150 बेड में से 40 बेड महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। यहां पर इन मरीजों की निगरानी के लिए 4 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेंगे। सेना की ओर से तैयार किए गए इस आइसोलेशन सेंटर में 2 डॉक्टर सेना के और 2 डॉक्टर प्रदेश सरकार की ओर से तैनात किए जाएंगे। इस आइसोलेशन वार्ड में अगर अचानक किसी को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस होगी तो उसके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सेना की ओर से बनाए गए इस आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंटेनर मशीनें भी रखी गई हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय सेना ने जो काम किया है वो अद्वितीय है और सराहनीय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। खबर पसंद आए तो शेयर करें। साथ ही मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।